विभागीय संविदा तथा सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारियों का कृमिक अनशन जारी है। कृमिक अनशन के दूसरे दिन जगदीश सिंह सुयाल बैठे। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया तथा उनकी जायज मांगों को पूरा करने की मांग प्रदेश सरकार से की। इधर धरने में बैठे कर्मचारियों ने कहा है कि वह मांग पूरी हुए बिना आंदोलन समाप्त करने वाले नहीं है। मांगे पूरी करो, आज करो, नहीं करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मी गणसिंह का हमारा तीसरा दिन चल रहा है। आज वाहन चालक जगदीश सिंह आज कर्मी अनशन पर बैठा हूँ, कल 10 बजे तक। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी तो आगे की रणनीति आमरण अनशन में, कर्मी अनशन जो है आमरण अनशन में बदलने की रणनीति बना रहे हैं। उसके बाद भी अगर ना हो पाए फिर डायरेक्टर में सीधा डायरेक्टर में घिराव करने के लिए। ना सैनिक कल्याण विभाग में नियुक्त जो संविदा कर्मचारी हैं, ये लोग चाहते हैं कि भैया हमको विभागीय संविदा में करा जाए। हम इनकी जायज मांगों का समर्थन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो सातवें पे कमीशन की बात है, इसकी भी ये इनकी जायज मांग है। इन दो तीन बिंदु पर लगातार इन्होंने शासन स्तर पर दबाव भी बनाया था, जबकि इनके जो ऊपर के कर्मचारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, वो सातवें वेतनमान का पूरा लाभ ले रहे हैं सैनिक कल्याण बोर्ड में। और हम चाहते हैं कि भाई हमारे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत, उनको भी सातवें वेतनमान का लाभ भी मिले। और जो विभागीय संविदा के तौर पर ये लोग अपनी नियुक्ति चाह रहे हैं, तत्काल जो है शासन इस पर अमल करते हुए कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाए। और इस समय तो हमको बहुत अच्छी खुशी है कि भाई एक सैनिक के पुत्र और एक सैनिक होने के नाते गणेश जोशी जी इस समय सैनिक कल्याण मंत्री भी बने हैं। तो कम से कम अगर हमारी क्षेत्र की समस्याओं को समझेंगे, पहाड़ के दुख दर्द को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर इनका समाधान होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। लेकिन अगर विश्वास करने लायक वो कोई काम नहीं करेंगे तो हम पुरजोर तौर पर उनका विरोध करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।